नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ जो इंस्पायर्ड हूं हिंदी से, और ये है आईफोन 11 प्रो मैक्स। और इस फोन को मैंने अभी काफी ज्यादा चलाया है, इसकी जबरदस्ती अनबॉक्सिंग करी है, और मैं आज आपको बताऊंगा इसमें क्या कुछ बढ़िया है, क्या कुछ बेकार है, और क्या ये फोन इतना वर्थवाइल है कि एक पेटी देना बने कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं iPhone 11 Pro Max की अनबॉक्सिंग के साथ। ये वाला जो यूनिट है, ये मेरे जिम के ओनर करण भैया ने लिया है, जिनके सानिध्य में मैंने पिछले 1.5 से 2 साल से बहुत ही लेजेंडरी वाला वर्कआउट किया और अपनी जिंदगी को बदला है। तो उन्होंने उसके लिए मुझे बुलाया कनॉट प्लेस में, और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया माहौल और मौसम हो रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद एकदम स्टोर की जो लाइन थी भसड़ हो रही थी वहाँ पे, इतना हाइप था। फर्स्ट दिन जो सेल का था उसी दिन हमने जाके iPhone 11 Pro Max Midnight Green परचेज किया। तो वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, काफी लंबा प्रोसेस गया, सब कुछ हुआ, और फाइनली HDFC के कैशबैक के साथ सब कुछ करके, मतलब कर कुरा के बढ़िया एकदम डील पे मॉडल ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अनबॉक्सिंग प्रोसेस कैसा रहा। तो फोन के बॉक्स के अंदर बहुत ही इजीली आपको मिलता है आईफोन, आपको मिलता है इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, अंदर मिलता है इजेक्टर टूल, फास्ट इसके लिए टाइप सी अडैप्टर पहली बार बॉक्स में मिल रहा है 18 वॉट का, 5 वोल्ट 3 एम्पीयर या फिर 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडैप्टर, अंदर आपको मिलते हैं एप्पल के ईयरपॉड्स, यूएसबी टाइप सी लाइटनिंग केबल। और बॉक्स के अंदर की एक्सेसरीज में एक चीज बहुत ही खराब तरीके से ओमिट कर दी गई है, वो है कि अंदर 3.5mm वाला कनेक्टर अडैप्टर नहीं है, जो कि लाइटनिंग टू 3.5 वाला कनेक्टर मिलता था एक जमाने में, वो अब नहीं रहा इसमें। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब अब आप 3.5mm वाले हेडफोन्स इसके साथ बाय डिफॉल्ट नहीं यूज कर सकते, अलग से आपको एक्सेसरी परचेज करनी पड़ेगी। और आइए अब बात करते हैं इस फोन के बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है वो ये है कि बैक पर जो फिनिश है वो फ्रॉस्टेड ग्लास वाली कर दी गई है। सबसे पहली चीज आप देखेंगे ये जो बम्प है ना, कैमरा बम्प काफी हद तक उठा हुआ है, लेकिन अगर आप बहुत ही तगड़े वाले ध्यान से देखने वाले यूजर हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो बम्प है ये एक्चुअली में उतना नहीं उठा हुआ है जितना कि 10S और 10S मैक्स का कैमरा बम्प था, और बस ये साइज में थोड़ा बड़ा है। इसके अलावा ओवरऑल बिल्ड और फिनिश बहुत सही है। नया वाला कलर जो है मिडनाइट ग्रीन, ये देखने में बहुत ही सुंदर सा लगता है, और मतलब सही में बहुत प्यारा सा अलग सा लगता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सिर्फ फ्लॉन्ट करने के लिए लेना है तो ये वाला कलर बढ़िया रहेगा फ्लॉन्ट करने के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड साइड पर आपको मिलता है इसके लिए पावर बटन, जिसको लॉन्ग प्रेस करके सीरी को एक्टिवेट किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पर साइलेंट वाला टॉगल है और वॉल्यूम रॉकर है, और इसके अलावा टॉप पे एंटीना बैंड्स वगैरह है, बॉटम पे आपको लाइटनिंग कनेक्टर मिलता है, और इसके अलावा आपको स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन मिलता है। बैक के कैमरा मॉड्यूल को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो नीचे छोटा सा मेश स्टाइल का सा बना हुआ है, इसके अंदर इन्होंने एक डायरेक्शनल माइक्रोफोन दे रखा है, तो आप ऐसे ऐसे ऑडियो कहीं पे आप ऐसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से लेगा, और अगर आप किसी वीडियो में कहीं पे जूम करने लग जाएंगे तो डायरेक्शनल ऑडियो को भी बहुत अच्छे से एनहांस करके रिकॉर्ड करेगा, तो वो एक बहुत जबरदस्त फीचर है। और आइए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो आईफोन 10S मैक्स जो था वो थोड़ा बहुत भारी था, 201 ग्राम्स के आसपास उसका वजन था, और इस बार इसका वजन तो और ज्यादा बढ़ चुका है, ये 10S मैक्स से 14 ग्राम और ज्यादा भारी है, 226 ग्राम इसका वजन है, 8.1 मिलीमीटर ये थिन है। और इसमें सबसे बड़ी बैटरी की जो इंप्रूवमेंट हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने 3D टच को हटा दिया और उसको लॉन्ग प्रेस वाले हैप्टिक टच से रिप्लेस कर दिया है, तो बैटरी लाइफ में तो बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई है, और बैटरी की कैपेसिटी में भी इंप्रूवमेंट आई है। इस बार 3969 mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है, और पिछली बार तो 3100 something mAh की बैटरी थी, तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज आया, 25% ऑलमोस्ट इंक्रीज आया। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है तो प्रो मैक्स वाला मॉडल ही आपके लिए बेटर रहेगा। इसके ऊपर अभी सबसे टफेस्ट ग्लास है किसी भी फोन का, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का एक कस्टम वर्जन बनाया गया है एप्पल के लिए कॉर्निंग द्वारा, क्योंकि एप्पल ने उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया उस कंपनी में। तो बैक पे और फ्रंट पे दोनों पे वो ग्लास है, साइड्स जो है वो स्टेनलेस स्टील वाली साइड्स है, मुझे काफी तक सही लगती है। जो सिल्वर वाला कलर है उस पर जो साइड में सिल्वर है ना, वो थोड़ा बहुत स्क्रैच जल्दी हो जाता है, तो अन्य कलर्स में वो इशू नहीं है उतना ज्यादा। और इसके अलावा अगर मैं और भी अन्य चीजों की बात करूँ बिल्ड एंड डिजाइन की, तो आईफोन 11 प्रो मैक्स मॉडल वैसे उतना हैंडी नहीं है, बट अगर इस बैक कैमरा बम्प की बात करें तो क्योंकि मॉडल एक्चुअली में इतना बड़ा है तो इस पे कैमरा बम्प भद्दा नहीं लगता। 11 प्रो वाले मॉडल पे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है साइज में, इस पे बहुत ही परफेक्टली प्लेस्ड लगता है। फ्रंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी वो बड़ा वाला नॉच इसमें अभी भी है, और एप्पल जो है पता नहीं कब इसको रिमूव करेगा, कह रहे शायद से अगले साल हो सकता है रिमूव। और इस नॉच के अंदर ही जो ईयर पीस है वो डेवलप करता है स्टीरियो लाउड स्पीकर के पेयर की तरह, तो वो बहुत बढ़िया चीज है कि बहुत ही मतलब इन डेप्थ वाला ऑडियो आता है। और मैंने बहुत ज्यादा टेस्टिंग करी, तो मैंने ये पाया कि 11 Pro के अंदर जो ऑडियो है उसके मुकाबले 11 Pro Max जो है ना, इसमें जो फ्रंट ट्वीटर है इसमें बेस जो है वो ज्यादा है। तो
ओवरऑल अगर आपको बेटर ऑडियो भी चाहिए एकदम डीप बेस वाला, तो 11 प्रो मैक्स का स्टीरियो स्पीकर सेटअप ज्यादा बढ़िया काम करेगा। इसमें जो फ्रंट पे ग्लास दे रखा है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, उस पर ओलियोफोबिक कोटिंग है, यानी कि स्मजेस उतनी तेजी से नहीं आते बट फिर भी फिंगरप्रिंट थोड़े बहुत उस पर रह जाते हैं। IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है ये, 4 meters तक 30 मिनट्स के लिए। बैक पे जो स्मजेस अब बिल्कुल नहीं आते बिकॉज उस पर फ्रॉस्टेड ग्लास आ गया, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा अगर आप इसको एक फ्लैट टेबल पे ऐसे रखेंगे तो ये पूरा ऐसे रॉक करता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पे आप एक केस लगा ले ताकि ज्यादा हिले ना। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन की बैटरी लाइफ मिलेगी। अगर आप मेरी तरह नॉर्मल यूजर है, हैवी यूजर है, गेम्स वगैरह खेलते हैं, कितना भी कुछ भी करते, तो 11 प्रो मैक्स में इतनी ज्यादा बढ़िया स्टैंड बाय और बैटरी लाइफ है कि आराम से 1 दिन तो चलेगा ही चलेगा। बाकी ये 10 वॉट तक के वायरलेस चार्ज को सपोर्ट करता है, तो आसपास कहीं पे ऐसे कई वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल है तो उस पर मस्त एकदम रख देने का और चार्ज कर लेने का फोन को। और उसके अलावा ये जो फास्ट चार्जर इसके अंदर बॉक्स के अंदर बंडल्ड है, इसको 2 घंटे लगते हैं इस फोन को पूरी तरीके से चार्ज करने में, तो वो एक मेरे को ऐसा लगा कि एंड्रॉयड की दुनिया से थोड़ा सा पीछे है ये, बिकॉज एंड्रॉयड फोन जो बहुत तेजी से चार्ज हो जाते हैं। आज की डेट में वन प्लस वॉप चार्जिंग के साथ ऑलमोस्ट 38 मिनट्स में 0 से 100 चला जाता है, तो उस मामले में स्पीड इनकी थोड़ी स्लोअर है जो आईफोन्स है, बट ये भी बात है कि उससे आपकी बैटरी लाइफ प्रिजर्व होती है अगर आप स्लोली चार्ज करते हैं फोन को। तो हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। ये जो फोन है ड्यूल सिम को सपोर्ट करता है, ई सिम और एक फिजिकल सिम के द्वारा। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो आते 6.5 इंच के ओएलईडी डिस्प्ले के साथ 800 निट्स तक की क्लेम्ड ब्राइटनेस है, और वो 1200 निट्स तक भी जाती है एप्पल के हिसाब से। मैक्सिमम ब्राइटनेस बहुत सारे केसेस में 800 निट्स से थोड़ा ऊपर जा रही थी, पर 1200 तक मैं उसको नहीं पहुंचा पाया था। ये फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, 120Hz इसके अंदर टच सेंसिंग है, और वैसे तो ये 60Hz की रिफ्रेश रेट वाले पैनल के साथ आता है। HDR10+ डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, ट्रू टोन कलर एडजस्टमेंट है 6 चैनल सेंसर्स की मदद से, यानी कि बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। इसकी ब्राइटनेस अभी किसी भी स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है आउटडोर, और इसके अलावा डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हायर होता थोड़ा और तो और ज्यादा जिंदगी में मजा आया था, क्योंकि आज की डेट में ROG Phone 2 जैसे भी फोन आते हैं जो कि 120Hz की रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले देते इतने कम दाम पे, और OnePlus 7T वगैरह जैसे भी फोन है जो 90Hz तो कम से कम दे रहे हैं। तो इस मामले मुझे ऐसा लगा कि इतनी जबरदस्त डिस्प्ले होने के बाद भी, प्रो लेवल का फोन होने के बाद भी, इसके अंदर हाई रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले नहीं थी, तो वो मुझे कमी लगी। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो एप्पल का जो A13 बायोनिक है डेफिनेटली अभी सबसे फास्टेस्ट मोबाइल चिप है किसी भी स्मार्टफोन में, डेफिनेटली। पबजी जैसी गेम को आप इस पे अगर सही में खेलना चाहते हैं, आईफोन प्लेयर्स वैसे शायद उतना गेम नहीं खेलते, बट अगर आप इस पे खेलना चाहते हैं तो आपको HDR पे अल्ट्रा फ्रेम्स पे आराम से चलेगी गेम। एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, एप्पल A13 चिप के अंदर एक ग्राफीन की लेयर है जिसकी मदद से कूलिंग बहुत जबरदस्त है, और हीट जो है पूरी इवनली डिसिपेट होती है, यानी कि फोन में कोई एक पार्ट नहीं गर्म होता, पूरे फोन की बैक स्लोली स्लोली गर्म होती है। तो गेम्स खेलते हो तो आपको वो चीज बहुत जबरदस्त लगेगी कि मतलब आपका फोन पूरी तरीके से ऐसे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक पॉइंट पे गर्म हो गया, हल्का हल्का गर्म होगा और वो भी बहुत कम। अगर आप एयर कंडीशन एनवायरमेंट में, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि फोन गर्म हो रहा है लॉन्ग टर्म गेमिंग करने के बाद भी, और परफॉर्मेंस जो है उसमें थ्रॉटलिंग कहीं पर नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि फोन गर्म हो गया तो गेम की परफॉर्मेंस डाउन होगी, वो चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अगर आपको एक आइडिया देने की चिप कितना पावरफुल है, आप फिल्मिक प्रो ऐप डाल के इसी फोन से एक बारी में 4K वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं 60fps पे, फ्रंट कैमरा से, बैक के तीनों मॉड्यूल से, तो वो मतलब एक खुद सोचिए किस लेवल की कंप्यूटिंग पावर इसके अंदर मौजूद है कि आप इतना सब कुछ इससे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर iPhone 11 या फिर iPhone XS Max के मुकाबले क्या क्या बढ़िया है, तो इसके अंदर 1.6 Gbps तक की LTE स्पीड्स हैं उन फोन्स के मुकाबले। इसके अंदर Apple का नया U1 वाइड बैंड चिप है जिसको अब तक अंडर यूटिलाइज रखा गया है, iOS के अपडेट के साथ वो सही हो सकता है। NFC है, Wi-Fi 6 है, 4GB RAM है पिछली बार के 3GB RAM से ज्यादा, और 64/256 और फिर 512GB के मॉडल्स हैं। मुझे एक चीज बुरी ये लगी कि इसके अंदर 128GB का इन्होंने मॉडल नहीं दिया, मोस्ट यूजर्स के लिए वो एक स्वीट स्पॉट होता है, 64GB मुझे पर्सनली लगता है बहुत कम है। अगर आप ज्यादा 4K वीडियोस भी लेंगे तो 64GB यार इतनी तेजी से भर जाएगा कि आपको बुरा सा लगेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इन्होंने 256 देके यूजर्स को जबरदस्ती फोर्स किया है कि वो ज्यादा पैसा देके 256GB वाला मॉडल ले, तो यार शायद से 128 ऑप्शन इसमें भी होना चाहिए था। डिस्प्ले में ही और क्या चेंजेस हुए उनकी बात करूं तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो पिछले साल था 1:1, इस बार वो 2:1 हो गया है। इसका मतलब कि जो HDR 10 प्लस की जो स्पेसिफिकेशंस होती है उससे भी थोड़ा ज्यादा ये अपने डिस्प्ले को ब्राइट कर सकता है, तो वो बहुत जबरदस्त चीज है कि कंटेंट व्यूइंग के लिए और गेम्स खेलने के लिए शायद से एक बहुत ही बेटर डिस्प्ले में से है। और अगर मैं गैलेक्सी नोट 10 प्लस से कंपेयर करूं तो उसकी भी डिस्प्ले इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं जाती जितनी इसकी जाती है,
तो वो एक प्लस पॉइंट है। अगर कैमरा मॉड्यूल की बात की जाए तो बैक पे आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का f1.8 वाला प्राइमरी सेंसर 1.4 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज के साथ डुअल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है और इस मेन सेंसर के अंदर OIS भी दे रखा है। एक टेलीफोटो सेंसर है जिसमें f2.0 अपर्चर है जो कि पहले से इंप्रूव हो चुका है और 12 मेगापिक्सल का ये भी है 1 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज के साथ और इसमें भी OIS है और PDAF है। इन्होंने एक नया अल्ट्रा वाइड सेंसर ऐड किया है जो कि 12 मेगापिक्सल का है बट उसका अपर्चर f2.4 है और वो 13 मिलीमीटर लेंस के इक्विवेलेंट है और इसके अंदर क्वाड एलईडी ड्यूअल टोन फ्लैश भी दे रखा है। स्लो मोशन वीडियोस की बात करूं तो 1080p 240 fps तक ही जा सकता है और सारे के सारे कैमरा मॉड्यूल से 4K 60 fps वीडियोस तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन सभी की सभी वीडियो में एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज आएगा। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए कि एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज कैसा लगता है देखने में, तो ऐसा लगता है कि अगर आप आसमान की तरफ भी पॉइंट करेंगे और अपने आप को भी उस फ्रेम में रखेंगे तो आसमान को व्हाइट करके बैकग्राउंड से गायब नहीं कर देगा, उसके अंदर जो बादल वादल है उनको भी वो दिखा देगा, इतनी ज्यादा डायनेमिक रेंज को सपोर्ट करता है। तो वो इसके कैमरा की बहुत ही बड़ी खासियत में से एक है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है f2.2 अपर्चर के साथ जो कि और वाइड हो सकता था और इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट का 3D कैमरा सेंसर भी दे रखा है फ्रंट में। अब अगर मैं बात करूं कि कैमराज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो काफी टाइम इस फोन के साथ स्पेंड करने के बाद, एकदम रगड़ देने के बाद, मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो उन्होंने अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर अभी जो दिया है ना, वो और पॉलिश्ड हो सकता था। मतलब कि उसमें जो f2.4 अपर्चर है उसकी वजह से उसको ज्यादा लाइट चाहिए अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए। अगर मैं ऐसे लो लाइट कंडीशंस में इससे रिकॉर्ड करता हूँ तो इसमें नॉइज आना शुरू हो जाता है। कुछ भी डे लाइट से कम लेवल की लाइट में अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको नॉइज दिखाई देगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर जो है वो नाइट मोड को भी सपोर्ट नहीं करता है। और इसके अलावा पहले अगर मैं बता दूं आपको कि बढ़िया क्या क्या है, तो ध्यान से सुनिए। बढ़िया इसमें यह है कि एप्पल का नाइट मोड जो है वो करंटली सबसे बेस्ट नाइट मोड्स में से एक है किसी भी फोन में। मैंने और भी अन्य फोन्स के साथ टेस्ट किया और जो शार्पनेस आ रही थी नाइट मोड की फोटोज में, कलर्स आ रहे थे, सब मुझे बहुत सही लगे। इसके अलावा EIS जो इसमें सारे रेजोल्यूशन और फ्रेम मोड्स पे वर्क करता है वो बहुत जबरदस्त है और उसके अलावा कलर्स जो है वो सारे कैमरा सेंसर्स के अक्रॉस सेम ही आए, वो मुझे बहुत जबरदस्त लगा। स्लो मोशन सेल्फीज भी अब फ्रंट कैमरा में आ गई है जिनको स्लो फीज बोला गया है और इसके अलावा सेल्फीज जो है वो इंप्रूव हो चुकी है 12 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ, पहले सिर्फ 7 मेगापिक्सल का सेंसर था। और मुझे सबसे बढ़िया एक फीचर ये लगा कि आप तीनों सेंसर्स के बीच में से आराम से सीमलेसली ट्रांजिशन कर सकते हैं, एकदम DSLR के जूम जैसा इफेक्ट लगता है वो देखने में। बहुत ही सीमलेसली एप्पल ने सॉफ्टवेयर से इन तीनों सेंसर्स को कंबाइन किया है और वो बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस देता है, भले ही आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो तब या भले ही आप फोटोज ले रहे हो तब। अब अगर बात करूं कि बुरा क्या क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अल्ट्रा वाइड सेंसर में नॉइज आ जाता है लो लाइटिंग कंडीशंस में। अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर अलग से वैसे इन्होंने उतना ज़्यादा OIS वगैरह नहीं दे रखा है, EIS उस पर भी अच्छा अच्छा काम करता है बट OIS नहीं दे रखा है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर ऑटो फोकस नहीं दे रखा है इन्होंने। और अगर मैं खामियां ही गिनाऊं तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि कॉन्ट्रास्ट अभी भी काफ़ी हद तक कम है और फ्लैट वॉश्ड आउट कलर्स आते हैं इसकी सारी फोटोज़ में। पिक्सल वगैरह में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और उनके मुकाबले मुझे ये सारी तस्वीरें ऐसी लगी कि इनमें रंग थोड़े से कम थे, शार्पनिंग थोड़ी बहुत प्रेजेंट है इसकी कुछ कुछ फोटोज़ में, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। बट पर्सनली मुझे वो फोटोज़ काफ़ी हद तक फिर भी ठीक ही लगी। तो मैं बोलूँगा कि इसका कैमरा भी शायद से सबसे बेस्ट कैमराज में से एक है बट अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है उसको और सुधार की ज़रूरत है। एक चीज बहुत बढ़िया है कि एप्पल का एक डीप फ्यूजन आने वाला है कुछ समय में, तो डीप फ्यूजन एल्गोरिथम जो है वो स्मार्ट HDR को ही और अलग लेवल पे ले जाएगा और ये एप्पल का खुद का टेक होगा HDR+ पे। देखते हैं कि एप्पल इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है, ये अभी एक अपडेट के साथ आएगा और शायद तब इसका कैमरा और बेटर हो जाएगा। सारी टेस्टिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसका जो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस है इसके स्टीरियो स्पीकर सेटअप के थ्रू, वो शायद से अभी सबसे बेस्ट सराउंड इंप्लीमेंटेशंस में से एक है। डॉल्बी एटमॉस ऑडियो भी यार इसके अंदर दे रखा है और अभी आप इसके अंदर सेकंड फेस भी डाल सकते हैं फेस आईडी में अल्टरनेट ऑप्शन की तरह। फोटोज ऐप जो है उसको सिग्निफिकेंटली रिवैम्प कर दिया गया है और उसमें AI बेस्ड अरेंजमेंट अब होने लग गई है और फोटोज और वीडियोज एप्लीकेशंस में अब बेटर एडिटिंग ऑप्शंस आ गए हैं। आप फ्रेम के बाहर भी अब कैप्चर कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट फोटोज ऐप में उस सेटिंग को इनेबल करके। तो अगर आप कई बार अल्ट्रा वाइड पे स्विच नहीं भी करेंगे तो भी आपके पास काफी हद तक इमेज डेटा बचा होगा। नए जो जितने भी आईफोन्स हैं ये आएंगे 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन Apple TV Plus वाले के साथ। और अगर मैं AnTuTu बेंचमार्क के स्कोर की बात करूं तो जो सबसे पावरफुल एंड्रॉइड फोन है अभी ROG Phone 2, उसका स्कोर 3.98 लाख तक आता है बट 11 Pro Max का स्कोर आता है 4.6 लाख तक। तो शायद से परफॉर्मेंस के मामले में तो बेंचमार्क्स में से भी सबसे आगे फोन है ये। और इसके अलावा अगर आप वीडियो वाले ही बंदे हैं तो अगर आप 1080p पे इस पे स्विच करेंगे तो 1080p में शायद से सबसे
बेस्ट लुकिंग 1080p वीडियोस लेने वाला स्मार्टफोन है ये भी। फिल्मिक प्रो जैसे ऐप को खरीदेंगे तो आप इससे बहुत ही एक्सट्रीम ज्यादा बिटरेट में भी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे और ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि डे लाइट में कुछ कुछ मिररलेस जैसा फुटेज लगता है इसका देखने में। वो एक बहुत ही बढ़िया जेन्युइन ऑप्शन है इस फोन का। बुराइयां क्या क्या है? बुराई ये लगी कि टेलीफोटो जो लेंस है उसमें अभी तक 2x पे ही ये सीमित है, जबकि कितने सारे कंपटीशन के स्मार्टफोन के जूम लेंसेज 5x तक चले गए ऑप्टिकल जूम के मामले में। वो एक मुझे इसकी कमी लगी। मुझे एक कमी ऐसी लगी कि प्राइसिंग अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। ये फोन एक पेटी से ऊपर का है, 1.14 लाख रुपीज इस फोन का प्राइस है। और कभी कभी मुझे लगता है कि एक पीस ऑफ टेक के लिए इतना ज्यादा पैसा देना जस्टिफाइबल नहीं है, चाहे वो कितना भी स्मूथ काम कर रहा हो, कितना भी सीमलेस एक्सपीरियंस दे रहा हो। मैं पर्सनली इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। मैंने अपनी पिछली iPhone 11 की वीडियो में कहा था कि iPhone 11 इज अ ग्रेट फोन, iPhone फॉर द मासेस। इसके पीछे रीजन ये था कि वो फोन 50K का जो इनिशियल प्राइस पॉइंट था ना, जो उसका US वाला है, वो मुझे बहुत ही जेन्युइन लगा कंपेयर टू द फीचर्स वो जो ऑफर कर रहा है। बट वहीं अगर मैं उस फोन से इस फोन पे आता हूं तो इतना ज्यादा प्राइस गैप और इतना ज्यादा ऑलमोस्ट डबल प्राइस जंप है कि इसको जस्टिफाई करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। कई सारे फोन्स इसका 80% 90% या फिर ऑलमोस्ट इसका 95% तक का एक्सपीरियंस आपको ऑफर कर रहे होंगे काफी कम प्राइस पे। कुछ कुछ फोन्स इससे बहुत ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ और बहुत ज्यादा बेटर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट्स के मामले में भी ऑफर करते हैं कई काफी कम प्राइस पे। तो अब ऐसे किसी फोन को जस्टिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एप्पल इकोसिस्टम में पहले से इन्वेस्टेड है तो आपके लिए बहुत ज्यादा सेंस बनता है एक नया आईफोन लेने का। और अगर आप मेरे जैसे एक इंथुजियास्ट जो परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और आपको एक सीमलेस कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए तो भी आपको फोन बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आप एक नॉर्मल कैजुअल यूजर है तो मैं आपको ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मनी है किसी भी एक नॉर्मल टेक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बेन गेस्किन जो एक बहुत ही बड़े पॉपुलर लीकर हैं, उन्होंने एप्पल के आईफोन 2020 का एक रेंडर लीक किया है और शायद से वो पहला ऐसा आईफोन होगा जो फुल डिजाइन के साथ आएगा और इसके अंदर जो नॉच है ना अजीब सा, वो गायब होगा। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो एक साल और इंतजार कर सकते हैं तो शायद अगला आईफोन इससे भी ज्यादा चमत्कारी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।